तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ सब अरेक्नोइड स्पेस। और यार, इस टॉपिक को अपन सबसे एंड में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यार ये जो न्यूरो एनाटॉमी होती है ना, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इसके सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसलिए जिस सीक्वेंस में मैंने आपके लिए पूरी न्यूरो एनाटॉमी डाली है ना, आप उसी सीक्वेंस में देखो। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा अलग से पूरी तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे न्यूरो एनाटॉमी की। तो आज का टॉपिक सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो यार, अपन को पता है अपन अपने पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 3 लेयर की कवरिंग से कवर करते हैं। अगर मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बताऊं तो ये अपना होता है ब्रेन और ये अपना है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर अपना बनाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आप देखो, अपने इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, इन दोनों को एक 3 लेयर की कवरिंग जो है कवर करती है। अगर इस कवरिंग को मैं आपको अगर डिटेल में दिखाऊं तो आप खुद देखो, सबसे बाहर अपना होता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के जस्ट अंदर वाली लेयर ये अपनी होती है एरेक्नोइड मैटर, और अपनी सबसे जो अंदर प्रेजेंट है ना, सबसे अंदर अपनी ये होती है पाया मैटर। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि जो एरेक्नोइड मैटर है ना, उसके जस्ट नीचे अपना ये प्रेजेंट होता है सब एरेक्नोइड स्पेस। अपन को अच्छे से पता है, देन ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है उसके अंदर अपना प्रेजेंट रहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। मेनली अपन को पता है कि ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो है वो अपने ब्रेन को फ्रिक्शन वगैरह से बचाएगा। उसके अलावा इसका मेन काम होता है प्रोटेक्टिवनेस के लिए अपना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड रहता है। वो मेनली अपने पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करवाता है, कोई भी शॉक वगैरह लगता है उससे या फिर वो फ्रिक्शन से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। इन शॉर्ट में देखें तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करवाता है। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कहाँ है, अपने सब अरेक्नॉइड स्पेस में। तो यार, अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपना पूरा ब्रेन है और ये है अपने ब्रेन का बेस, और यहीं पे अपनी ये है ब्रेन स्टेम। अगर मैं यहाँ पे आपको मॉडल दिखाऊं तो और अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा। ये अपना पूरा है सेरेब्रल हेमिस्फेयर और ये है अपना ब्रेन स्टेम, जो कि अपना बनता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला से। तो अब आप यहाँ पे देखो, अपने इस ब्रेन के बेस में और अपने इस ब्रेन स्टेम के पूरे सराउंड में ये जो अपना सब अरेक्नॉइड स्पेस है ना, वो कहीं कहीं पे एनलार्ज हो जाता है। ये आप देख पा रहे हो ना, जैसे कि ब्रेन के जस्ट नीचे ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है अपनी, वो थोड़ी सी अपनी एनलार्ज हो गई। वहीं अगर आप इस सेरेबेलम के नीचे देखो तो इस सेरेबेलम के नीचे भी अपना जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वो थोड़ी सी क्या एनलार्ज हो जाती है। और ये दोनों स्पेस अगर आप देखो, ये जो दोनों अपना सब अरेक्नोइड स्पेस है, तो अब आप देखो ये सब अरेक्नोइड स्पेस की ये जो एनलार्जमेंट है ना, एक्चुअली में इसी को अपन बोलते हैं सिस्टम्स। तो आप अच्छे से देख लेना कि सब अरेक्नोइड स्पेस जो कि अपना इस ब्रेन स्टेम के सराउंड में और अपना इस ब्रेन के बेस में अपना एनलार्ज हो जाती है, उसी को अपन बोलते हैं सिस्टम्स। और यार, अगर आप यहाँ पे सिस्टम्स को देखो, ये जो सिस्टम्स होती है ना अपनी, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कि सेरेबेलम के ऊपर आपको एक स्पेस दिख रही होगी, तो ये वाली स्पेस जो है वो अपने सेरेबेलम के नीचे वाली स्पेस के साथ मतलब इंटरकनेक्टेड है, अपना कम्युनिकेट करती हैं। तो मैं आपको अगर प्रॉपर डेफिनेशन दूँ अपने सिस्टम की, वो ये होती है एट द बेस ऑफ ब्रेन, अपने ब्रेन के बेस में और अपने ब्रेन स्टेम के सराउंड में कि ये जो सब अरेकनॉइड स्पेस जो है वो अपने इंटर कम्युनिकेटिंग पूल्स बना लेती हैं। मेनली इसी एनलार्ज स्पेस को उनने क्या बोला, इंटर कम्युनिकेटिंग पूल्स, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, और इसी को अपन बोलते हैं सिस्टम्स। तो यार, अपन को मेनली ना कुल मिला के अगर 5 सिस्टम्स देखने हैं, और हर सिस्टम्स को अब अपन को डिटेल में देखना है। सबसे पहले अपन इसकी देखेंगे कि कहाँ पर लाए करती हैं, फिर इसका कम्युनिकेशन देखेंगे कि कौन सी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रही है, फिर एंड में अपन देखेंगे इसका कंटेन। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मेनली यार ये सिस्टम्स प्रेजेंट क्यों होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये सिस्टम्स क्या करते हैं, जो अपना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड का जो अपना प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ना, उसी को ये रीइंफोर्स करवाने का काम करते हैं। तो ये मैंने आपको इसका यूज भी बता दिया। अब अपन इसमें सबसे पहली वाली सिस्टम को डिटेल में देखते हैं।
अपनी सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम। और यार मैं आपको बताऊं, इसका जो नाम है ना वो ही चीख चीख के इसकी लोकेशन भी बता देता है। जैसे कि इसका नाम क्या है, सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम, मतलब ये अपना सेरेबेलम और ये अपना मेड्यूला है ना, पहले मिड ब्रेन, फिर पोन्स, फिर ये मेड्यूला। तो मेड्यूला और ये सेरेबेलम, इन दोनों के बीच में ये वाला सिस्टम प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आपको ये स्पेस, तो इसी को अपन बोलते हैं सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम। देन फिर अपन बात करें, ये जो सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम है ना, ये सबसे अपना मेन सिस्टम है, क्योंकि इसी से अपना पूरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो है वो सब अरेक्नोइड स्पेस में एंटर करता है। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले तो यार आपको ये पता होना चाहिए कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अपना बनता कहाँ पे है। तो उसको देखने के लिए आप ये मेरा 3D मॉडल देखिए, मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो अपन को पता है अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यार होता क्या है, अपना ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ना, अपना ये लेटरल वेंट्रिकल और ये बीच वाला थर्ड वेंट्रिकल, ये दोनों मिलके अपना बनाते हैं मेनली सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। देन अपना लेटरल वेंट्रिकल से सारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अपना आ जाता है इस थर्ड वेंट्रिकल में। देन इस थर्ड वेंट्रिकल से होते हुए ये सारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अपना आ जाएगा इस फोर्थ वेंट्रिकल में। और आप खुद देख पा रहे हो ये फोर्थ वेंट्रिकल अपने इस पोन्स और मेड्यूला के बीच में प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा है ना फोर्थ वेंट्रिकल। देन इस फोर्थ वेंट्रिकल में ही अपनी एक्चुअली में दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, एक यहाँ पे मीडियल ओपनिंग होती है उसे अपन बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेसेंडी, और एक बीच में इसमें ओपनिंग होती है उसे अपन बोलते हैं फोरामेन ऑफ लश्का। तो इन दोनों ओपनिंग के कारण क्या होता है, ये सारा स्पाइनल फ्लूड ये दोनों ओपनिंग के कारण वो इसमें जाता है अपने सब अरेकनॉइड स्पेस में। तो आप समझ गए कि सब अरेकनॉइड स्पेस में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड आ कहाँ से रहा है, सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल में, देन इस थर्ड वेंट्रिकल में, फिर वो आता है इस फोर्थ वेंट्रिकल में, देन फोर्थ वेंट्रिकल से सारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अपना आ जाता है यहाँ पे सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम में। देन सेरेबेलो मेडुलरी सिस्टम से सारा का सारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अपनी पूरी सब अरेकनॉइड स्पेस में एंटर कर जाता है। तो कुछ इस तरीके से अपन ने देख लिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं पे अपना आ रहा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। अब अपन देखते हैं कंटेन क्या। अब यहाँ पे आप खुद देखो, ये जो मेडुलरी सिस्टम है ये अपनी खुद एक स्पेस है, तो स्पेस के अंदर भी कुछ कंटेन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले यार इसके अंदर अपना होता है कोरोइड प्लेक्सेस। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो आप यार खुद देख पा रहे हो, ये जो स्पेस है ना अपनी, ये वाला सिस्टम ये कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है ना, और इसके जस्ट पीछे अपना प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल में क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड सिक्रेट करवाने के लिए अपना प्रेजेंट होता है कोरोइड प्लेक्सेस। तो कोरोइड प्लेक्सिस जो है हल्का सा इसमें भी प्रेजेंट होता है इस स्पेस में। तो सबसे पहला इसका कंटेन हो गया कोरोइड प्लेक्सिस। उसके बाद जो अपनी करेनियल नर्व होती है ना, 9 से लेकर 12 तक, वो सारी करेनियल नर्व अपनी इस स्पेस का कंटेन होती हैं। अब आप बोलोगे सर ये पीछे की चार करेनियल नर्व क्यों, तो यार इसको याद दिलाने के लिए मैं आपको बताऊं, अपन ने अपनी ब्रेन स्टेम वाली वीडियो में पढ़ा था कि अपनी 12 करेनियल नर्व में से 10 करेनियल नर्व 3 से लेकर 12 तक, वो सारी करेनियल नर्व अपनी निकलती है ब्रेन स्टेम से। तो जिसमें आप खुद देखो ये अपना जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है ना ब्रेन स्टेम का, उससे अपनी निकलती है 9, 10, 11, 12। और ये वाला जो सिस्टम है ये खुद अपना कहाँ पे है, मेड्यूला के लेवल पे, इसका तो नाम भी वही है सेरेबेलो मेड्यूलरी सिस्टम। तो जितने भी करेनियल नर्व अपना मेड्यूला से निकलती है ना, वो सारी फिर इसका कंटेन भी बन जाती हैं। तो यार मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्ट इसके कंटेन मत रटो, रटने को तो तुम डायरेक्ट इसके याद कर सकते हो ही कि 3 कंटेन तो हैं, लेकिन फिर क्या होगा आगे जाके तुम्हें ही कन्फ्यूजिंग होने, आगे जाके सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ही मिक्स होने लगेंगी। इसलिए यार चीज़ों को रटने के बजाय समझो उन्हें और उनको क्या कनेक्ट कर दूँ,
जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो मेड्यूला से चार करीनल लम निकलती हैं, तो चारों इस सिस्टम में भी आ जाएंगी। तो बड़ा इजी होता है यार अगर आप हर चीज़ इस तरीके से समझ के पढ़ते हो, और मेरी वीडियो देखने का फ़ायदा भी यही होता है, मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। और इसका एक और कंटेंट है वो है अपना वर्टिब्रल आर्टरी। तो यार अगर आपको याद हो तो अपन ने सर्कल ऑफ विलस की वीडियो में भी देखा था कि अपनी वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ पर रहती है, अपने इस मेड्यूला के लेवल पे। तो जाहिर सी बात है वो मेड्यूला के लेवल पे है, तो इसका कंटेंट भी हो जाएगी अपने मेड्यूला की स्पेस में। तो कुल मिला के इसके अंदर होते हैं तीन कंटेंट, आप तीनों अच्छे से आप याद कर लेना। अगर मैं आपको मेरा मॉडल फिर से दिखाऊं, तो यार अपन ने अपनी पूरी ब्रेन स्टेम को इस तरीके से पूरा एक मॉडल बना के पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरी ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। मैंने बहुत मेहनत से और डिटेल में आपको वीडियो बनाई है। ये अपना है मिड ब्रेन, फिर ये अपना होता है पोन्स वाला रीजन, और ये अपना है यहाँ पे मेड्यूला। तो आप खुद देखो अपने पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है सर्कल ऑफ विलस। सर्कल ऑफ विलस एक आर्टरी का ही हो, सर्कल ऑफ विलस एक आर्ट्रियल सर्कल ही है। अगर आपने मेरी यार ये वीडियो नहीं देखी तो आप जा सकते हैं लिंक पे आई बटन पे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पे है, आप जा सकते हैं। बेसिकली ये सारे टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आप खुद देखो ये अपना है मेड्यूला। तो अपने मेड्यूला के रीजन में ये नीचे से दो आ रही हैं वर्टिब्रल आर्टरी, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। देन ये दोनों वर्टिब्रलर आर्टरी मिलके एक अपनी बना लेती हैं, फिर ये बेजिलर आर्टरी अपने ये पोंस के रीजन में। तो आप खुद देखो यार मेड्यूला के रीजन में क्या आ रहा है, वर्टिब्रल आर्टरी। इसलिए वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो अपना इस सिस्टम का भी कंटेन है, क्योंकि सिस्टम भी अपने मेड्यूला के लेवल पे है। तो तुम क्या इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके याद कर सकते हो, बेस्ट तरीका है यार ये पढ़ने का। फिर अपन आते हैं अपना सिस्टर्ना पॉन्टिस पे, और यार इसका तो नाम ही कुछ चिल्ला के कह रहा है कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये अपना पोन्स है ना, उसके जस्ट नीचे या सब अरेक्नोइड स्पेस में एक एनलार्ज स्पेस देख रहे हो ना, इसे ही अपन बोलते हैं सिस्टर्ना पॉन्टिस। देन फिर अपन देखें इसका कंटेंट, तो यार सबसे पहला कंटेंट तो वही उसका हो गया बेजिलर आर्टरी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अपनी दोनों वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के बना लेती हैं बेजिलर आर्टरी अपने कहाँ पे, पोन्स के लेवल पे। तो ये अपना है बेजिलर आर्टरी सबसे पहले इसका कंटेंट। देन फिर क्या होता है अपने पोन्स से, अपन जानते हैं 5, 6, 7 और 8 करेनियल नर्व निकलती हैं। तो इसमें से जो 6th करेनियल नर्व है ना वो इस स्पेस के कंटेन में आ जाती है। तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होगी 6th करेनियल नर्व। देन ये अपन ने पूरा देख लिया सिस्टर्ना पॉन्टिस। देन फिर अपन आ जाते हैं इंटर पेटेंकुलर सिस्टर्ना पे। तो यार आप देखो ये जो सिस्टर्ना पॉन्टिस है ना उसके जस्ट ऊपर, ये अपने पोन्स के जस्ट ऊपर, ये अपना है मिड ब्रेन, दिखा आपको ये मिड ब्रेन के जस्ट सामने ये जो स्पेस है ना ये वाली, इसी स्पेस को अपन बोलते हैं इंटर पेटेंकुलर सिस्टम। तो ये जो इंटर पेटेंकुलर सिस्टम है वो अपने टेम्पोरल लोब के बीच में रहता है। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये अपना टेम्पोरल लोब है, और उसके जस्ट यहाँ पे इधर वो स्पेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये अपन ने इसका देख लिया ये कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर अगर मैं आपको बताऊँ ये किसका कंटिन्यूएशन है, तो यार आप खुद देखो ये अपना, ये ऊपर से देखो आप, ये ऊपर अपना क्या है, पूरी अपनी ये है सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। देन ये सब अरेक्नॉइड स्पेस आगे जाके अपना ये बना लेंगी इंटर पेटेंकुलर सिस्टम। देन ये इंटर पेटेंकुलर सिस्टम ही आगे जाके अपना कंटिन्यू हो जाएगा सिस्टर्ना पॉन्टिस में। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो इंटर पेटेंकुलर सिस्टम है ना वो अपना कंटिन्यूएशन है सब अरेक्नॉइड स्पेस का। देन फिर अपन इसका देखते हैं फिर से वही कंटेंट। तो यार इसके थोड़े से ज़्यादा कंटेंट होते हैं, लेकिन बड़े ही ईजी कंटेंट हैं। आप खुद देखो सबसे पहले इसका वही बेजिलर आर्टरी कंटेंट है। आप होता क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दो, अपनी बेजिलर आर्टरी पोन्स के लेवल में बनी और फिर वो ऊपर की तरफ भी तो एक्सटेंड करती है ना, तो फिर वो इस सिस्टर्ना के अंदर भी आ जाती है।
तो उसमें सबसे पहला कंटेन है अपनी बेजलर आर्टरी, देन बेजलर आर्टरी की ही अपनी दो ब्रांचेस, एक इसकी पर्टेंकुलर सेगमेंट ऑफ पोस्टेरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी और इसी आर्टरी का एक परफोरेटिंग ब्रांच। और यार ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या सर्कल ऑफ विलस वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो उन सारी वीडियो के बाद मैंने अपलोड करा। आपको क्या ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आए, तो यार मैं तभी तो आपको बोला जिस सीक्वेंस में देख रहा हूँ ना, अगर तुम उसी सीक्वेंस में देखते आ रहे हो ना पूरी न्यूरो एनाटॉमी, तो तुम्हें सारी चीज़ें अब क्या फिंगर टिप्स पे हो गई होंगी, तो तुम्हें क्या सारी चीज़ें अब क्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने का यार एक तरीका होता है, ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट बुक उठा के पढ़ने लगे। तो मैंने आपको ये तीनों कंटेन बता दिए। देन अब आता है नर्व। अब यार जाहिर सी बात है ये जस्ट मिड ब्रेन के सामने प्रेजेंट है, ठीक है, और अपन जानते हैं अपने मिड ब्रेन से अपने निकलती है तीन और चार करेनियल नर्व। अब इसमें से जो थर्ड करेनियल नर्व है ना वो इसके अंदर कंटेन में आ जाएगी, तो इसका कंटेन है थर्ड करेनियल नर्व और एक ऑप्टिक चियास्म। ये आप डायरेक्ट याद कर लेना। तो यार करेनियल नर्व्स का मैं बताऊं, अगर आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो ही तुम्हें याद रहेगा, वरना तुम आगे जाके ये भूल जाओगे। देन फिर अपन देखते हैं इसका लंबर सिस्टम। तो यार आप खुद देखो, ये अपना पूरा है स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड के नीचे ये जो स्पेस देख रही है ना, मेनली अगर मैं आपको उसका लेवल बताऊं तो ये L3 और L4 जो लंबर वर्टिब्रा होती है ना उसके लेवल पे ये सिस्टर्ना प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम भी क्या है लंबर सिस्टर्ना। आपको सिर्फ इसके अंदर इसका लेवल याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि अपना लार्जेस्ट सिस्टर्न है, सारे सिस्टर्न में ये सबसे बड़ा है, अपना सबसे लार्जेस्ट है। देन इसके अलावा ये अपना एक लास्ट सिस्टर्न और देख लो, सिस्टर्न ऑफ ग्रेट सेरेब्रल वेन, और इसका भी नाम इसकी लोकेशन चीख चीख के खुद ही बता रहा है। तो ये अपना पूरा ब्रेन है और इसका ये है ऑक्सीपिटल लोब। अपन जानते हैं इसके ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट नीचे ये जो वेन प्रेजेंट है ना अपनी, ये अपनी होती है ग्रेट सेरेब्रल वेन, ये आप देख पा रहे हो, और उसी ग्रेट सेरेब्रल वेन के नीचे ये जो स्पेस प्रेजेंट है ना यार, इसी का ही नाम होता है सिस्टर्ना ऑफ ग्रेट सेरेब्रल वेन। जाहिर सी बात है इसी वेन के नीचे है, तो उसी के नाम पे उन्होंने रख दिया। तो इसका लोकेशन तो आपको यार इसी तरीके से बड़े इजीली तरीके से याद हो गया। देन बात अपन करें इसके कंटेन की, तो आपको कंटेन में इसका अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले उसमें वही एक ग्रेट सेरेब्रल वेन, जाहिर सी बात है वही उसका कंटेन है। उसके अलावा इसके अंदर एक पीनियल ग्लैंड भी आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में अपना पीनियल ग्लैंड ही होता है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया सिस्टर्न्स अपने सब अरेक्नोइड स्पेस में, ज़्यादा इसके अंदर कुछ था नहीं, बस आपको यही याद करना है कि कहाँ पे लाए करती हैं और उसके कंटेंट्स क्या हैं। मेनली इसका क्या क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यार मैं क्लिनिकल एनाटॉमी की पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ आपके लिए। अभी तक अपन अपने BDC के चारों वॉल्यूम्स देख चुके हैं, और ये अपना लास्ट वॉल्यूम था 4th वॉल्यूम न्यूरो एनाटॉमी। इसके बाद मैं अब आपको इन चारों वॉल्यूम्स के क्लिनिकल एनाटॉमी दूंगा, या 10 मिनट या 5 मिनट में वो अपनी सीरीज रहेगी क्लिनिकल एनाटॉमी की, तो वो जल्द मेरे चैनल पर आने वाली है। मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रखो इसलिए, और मैं अभी इसके नोट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, फिर ये भी बताता हूँ उसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार कभी यूनिवर्सिटी में आ गया ना एज अ शॉर्ट नोट में, तो जितना मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना उतना लिख के आ जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी कंटेंट है। मेनली अपन को क्वांटिटी नहीं लिखते, अपन लिखते हैं क्वालिटी, वो भी पॉइंट्स में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप हेडिंग डालना, इंट्रोडक्शन के पॉइंट लिखना, फिर एक एक सिस्टम को इसी तरीके से एक्सप्लेन करते जाना, और एंड में ये एक डायग्राम बना लेना। और यार इसका डायग्राम की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बार प्रैक्टिस करना सारे डायग्राम तुम्हें बन जाएंगे। और वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार कुछ भी एनाटॉमी में देख रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, मैं अब तक 200 हो चुके हैं अभी तक मेरी वीडियो में, 200 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, और मुझे सपोर्ट करना है ना तो बस मेरी वीडियोज़ को शेयर करा करो, मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा हूँ।
तो तुम्हें बदले में कुछ करना है ना तो सिर्फ मेरी वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप शेयर करते हो तो वही मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा अल्टीमेटली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।